सिंपली WBJ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है WBJ.NIC.IN, उस वेबसाइट पर विजिट करो। तो तुमको यहाँ पर एक टैब दिखेगा WBJ ई काउंसलिंग। तो इस पर विजिट करने के बाद देखो एक और टैब दिखेगा सीट मैट्रिक्स। तो सीट मैट्रिक्स में एक PDF को डाउनलोड करो। अब देखो इस PDF में तुमको पूरा डिटेल मेंशन किया गया कि हर एक कॉलेज का, हर एक ब्रांच का कितना सीट अवेलेबल है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो कि मैं कोई रैंडम कॉलेज पिकअप करता हूँ, सपोज़ एक कोई कॉलेज है, सपोज़ मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी को पिकअप करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ जादवपुर यूनिवर्सिटी में देखो ये सब बगल में WB लिखा गया है एंड AI लिखा गया। तो देखो AI का मतलब वो ऑल इंडिया एंड WB मतलब वेस्ट बंगाल। यानी सपोज जो AI यानी कि जो 10% सीट जो रिजर्व है नॉन डोमेस्टिकली उन लोग के लिए है ये AI। अब देखो तुम देख सकते हो सपोज तुम्हारा कुछ रैंक आया है, ठीक है, तो मान लो कुछ भी रैंक हो। अब तुम यहाँ से ये प्रिडिक्ट लगा सकते हो कि हाँ मुझे इस कॉलेज में सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसे सपोज तुम्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए, अब देखो कंप्यूटर साइंस के लिए बस 5 ही सीट है, ठीक है, बाकी कोई सीट नहीं है। ओनली 5 सीट इज अवेलेबल फॉर कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट। एंड अगर बाकी ब्रांचेस का देखोगे, अगर मान लो वेस्ट बंगाल का अगर स्टूडेंट का देखोगे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के लिए इन लोग के लिए 38 सीट है जनरल कैटेगरी में, और बाकी सब जो सीट है 38 के बाद वो सब मतलब रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। तो तुम जो भी कॉलेज में जाना चाहते हो तो उस कॉलेज में एक बार चेक करो कि हर एक ब्रांच में कितना सीट है। तो तुम यहाँ से ये प्रेडिक्ट लगा लो कि हाँ मेरा कितना चांसेस है उस कॉलेज में सीट मिलने का, ठीक है। और देख लो कि मुझे कोई TABL कोटा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या कोई ST SC OBC कोटा में कितना सीट है वो मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। ओके,